अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक होममेड मैजिक फेस ब्लीच जो आपकी स्किन से स्पॉट, टैन, डार्क पैचेस को रिमूव करेगा और आपकी स्किन को यूथफुल बनाएगा और आपकी स्किन को फेयर और ग्लोइंग बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए 3 टीस्पून जो पाउडर, जो स्किन को स्मूथ पॉलिश करता है और स्किन को ब्राइट ग्लो बनाएगा, 1/2 कप पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है, ये डार्क पैचेस रिंकल्स को रिड्यूस करता है। अब इसमें शामिल करना है 2 चम्मच दही, 2 चाय की चम्मच शहद। शहद आपके फेशियल ग्लो को बूस्ट करता है। अब आप लीमू का रस शामिल कर लीजिए। अब आप इन सारी चीजों को ग्राइंडर में डालकर एक स्मूथ क्रीमी कंसिस्टेंसी बना लीजिए। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो पहले 20 से 25 मिनट तक फ्रिज में रख लीजिए इस पेस्ट को, इस पैक को। इस पैक के अप्लाई करने से पहले अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। आप चेहरे को साफ करने के लिए अरके गुलाब या टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप एक ब्रश की मदद से चेहरे पर अप्लाई कीजिए। ये आप गर्दन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आंखों के नीचे सियाह हल्के यानी कि डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत बेस्ट है। अप्लाई करके 25 से 30 मिनट तक छोड़ दीजिए। जब ड्राई हो जाए तो आप पहले हाथों की मदद से रब कीजिए और फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिए। जब ठंडे पानी से धो लें तो फिर चेहरा खुश्क होने के बाद बादाम तेल या विटामिन ई ऑयल यूज कीजिए। आपने मसाज करना है चेहरे पर गर्दन का कि तेल जज्ब हो जाए। सो प्लीज व्यूअर्स, जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी स्किन ग्लो करेगी और वाइटन हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।